अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम इस वक्त लाला मूसा जंक्शन पे मौजूद हैं। ये मेरे पीछे धमाका एक्सप्रेस का न्यू रेक खड़ा हुआ है। इधर धमाका एक्सप्रेस का न्यू रेक खड़ा हुआ है, जो हम आए हैं मलकवाल से, जहाँ पे इसकी इस्तकबाल तकरीब हुई, और अब ये चीज़ वहाँ डाउन जाएगी सरगोधा तक, और कल से अपना प्रॉपर ऑपरेशन शुरू होगा। धमाका एक्सप्रेस लीडिंग बाय PHA 28304 ऑन लाला मूसा जंक्शन। लाला मूसा जंक्शन से डिपार्चर होगा अभी धमाका एक्सप्रेस का। हम लाला मूसा से सरगोधा जा रहे हैं, और आज इस ट्रेन का सता हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी पुरजोश इस्तकबाल हुआ है। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि इसका इस्तकबाल किस तरीके से हुआ है, और कितना जोश जज्बा था आवाम का, हर स्टेशन पर इस्तकबाल हुआ। और अब जो दूसरा आपको मैं व्लॉग पेश कर रहा हूँ, ये है लाला मूसा से सरगोधा का। देखते हैं हमारी वापसी की जर्नी कैसी होती है। ट्रेन सजी हुई है प्रॉपर अभी तक, और इंजन बिल्कुल न्यू लुक में है। इसको रीपेंट किया गया है, कोचेस न्यू हैं, CFI कोचेस हैं सारी। वेलकम टू रैलियन व्लॉग्स। धमाका एक्सप्रेस डाउन लाला मूसा से सरगोधा जंक्शन की जानेब अपना पहला सफ़र शुरू करते हुए आज इस ट्रेन का इस्तकबाल हुआ है, और अब ये लाला मूसा से प्रॉपर तौर पे ऑपरेशनल अपना वर्किंग शुरू कर चुकी है। सिग्नल डाउन है हमारे से, आगे हम एक्सप्रेस गई है, और अब लाला मूसा से धमाका एक्सप्रेस जा रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं सामने, ये गुजरात लाइन है, और हम जो हैं ये सरगोधा की लाइन पे हैं। ये लाला मूसा सरगोधा की ब्रांच लाइन है। हज़ारा एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और धमाका एक्सप्रेस का रूट यहाँ पड़ता है। धमाका एक्सप्रेस जोड़ा करनाना रेलवे स्टेशन पे अराइवल ले गई है। और ये सिग्नल हो रहा है, PLC हुई, और
पहुंच गई है। और ये मुसाफिर चढ़े हैं ट्रेन में। हालांकि आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, इतने लोगों को मालूम भी नहीं है, फिर भी एक अच्छी एवरेज है लोगों की। तो वाकई इन जहाँ के लोगों ने इस बात को साबित किया है कि वाकई इस सेक्शन को एक ट्रेन की ज़रूरत थी और इनका मुतालबा जायज़ था।